चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। एमएस वर्ड में बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता, इसलिए मैं पार्ट्स बना रहा हूँ। ये पार्ट वन है और आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आप कोई इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का स्किप कर दें, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम वर्ड खोलेंगे। ये 2010 वाला वर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। Folder view host Microsoft Microsoft Word 20 pane document 1 Microsoft Word product activate. यहाँ पे ये नोटिस आता है, इसे हमें क्लोज करना है क्योंकि 2010 वाला वेरिएंट है। My close button note, document 1 Microsoft. और फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आप 2010 वाला वेरिएंट चलाना सीखते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको 2010 वाले पे समझा रहा हूँ, तो आप सेम शॉर्टकट कीज सेम फॉर्मूलाज आप 2119 वाले पे भी 19 वाले ऑफिस पे भी 21 वाले ऑफिस पे भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी चलेगा ये, वो वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे हम कोई फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट है फाइल ओपन करने की। ओपन डायलॉग फाइल नेम कॉम्बो। अब यहाँ पे आप कोई यहाँ पे फाइल नेम बोलेगा, आप भी जब करेंगे ये भी तब भी फाइल नेम बोलेगा। तो मैं जोज यूज कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ तो कोई फाइल का पहला वर्ड टाइप कर सकते हैं, यहाँ तो अगर आपको उसका पूरा नेम पता है तो आप वो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड का पहला नेम टाइप करूंगा, ठीक है। कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर सजेशन में आ गई, ठीक है। इसे अगर हमें ओपन करना है, ये डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो से हमें मूव करना है सजेशंस में, तो कंप्यूटर पे आके मैंने डाउन एरो से एंटर कर दूंगा। कंप्यूटर ये फाइल खुल चुकी है। We do our day-to-day jobs with the help of computer dot. It has become necessary for each of us to have basic knowledge of computers. We can define computer as a machine which can perform arithmetic as well as non-arithmetic. ठीक है, अब ये सारी फाइल आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे हम इसे सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सारी ये जो टेक्स्ट लिखी है, ये सारी फाइल का जो टेक्स्ट है, इसे हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल। तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसे कॉपी कैसे करेंगे, तो कॉपी करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ठीक है। अब ये जो हमारी सारी लाइंस है पैराग्राफ से, ये कॉपी हो चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम एक न्यू पेज कैसे ले सकते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लैंग कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट टू, इसने बोला ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल चुका है इस टाइम। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो वहाँ पे कॉपी की हुई लाइंस थी उसे हम यहाँ पे कैसे पेस्ट करेंगे, तो वो हम देखेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी पेस्टेड। और ये जो हमारे सेम पैराग्राफ्स और लाइंस थी वो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी परसेंट स्पीड फंक्शंस लाइक एडिशन सबट्रैक्शन वी कैन डिफाइन कंप्यूटर एज अ मशीन व्हिच कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एज वेल एज नॉन अरिथमेटिक इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर ईच ऑफ अस टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वी डू आवर डे टू डे जॉब्स ए एच वी डू आवर डे टू डे जॉब्स। ये सेम लाइन को पढ़ रहा है, ठीक है, एज वेल एज जैसे वहां पे ये पढ़ रहा था। तो ये हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब हम इसे सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए सेव करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस एस यूज करेंगे। सेव अ डायलॉग फाइल नेम, ठीक है। यहाँ पे फाइल नेम पूछेगा आपसे, ये खुद से भी फाइल नेम रखता है, अभी देखते हैं इसने खुद से क्या फाइल नेम रखा है, ठीक है। एज, क्योंकि वहां पे वो पहला उसका जो वर्ड था वो एज ही था हेडिंग। तो यहाँ पे अगर हमें फाइल नेम खुद से डालना, तो हम यहाँ पे एक बारी बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम लिखेंगे, ठीक है। मैं कंप्यूटर ही डालता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 2 3, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के नाम से काफी सारी फाइल्स सेव की है।
ठीक है, अब ये हमारी सेव कंप्यूटर 123, ठीक है, ये फाइल नेम है और यहाँ पे अब हम एंटर कर देंगे कंप्यूटर 123 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड अनअवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट पेस्ट ऑप्शन कंप्यूटर, ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब हम इस फाइल को मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाऊंगा कैसे खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम कंट्रोल लो करेंगे, ओपन डायलॉग फाइल नेम, ठीक है, सी प्रेस किया, ठीक है, सेम वही वाली फाइल आ गई। अगर आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं पहले की तरह, ठीक है। और ये बेसिक शॉर्टकट्स थी कॉपी की, सिलेक्ट ऑल की, पेस्ट की और न्यू डॉक्यूमेंट लेने की वर्ड में और सेव करने की, ठीक है। आज की वीडियो में मैं इतनी ही शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा ताकि आपको वीडियो में समझना इजी रहे।